ओके, कॉल बाय रेफरेंस का प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि जिस अकॉर्डिंग हम कॉल बाय वैल्यू में सिंपल वैल्यूज पास कराते हैं एज अ पैरामीटर, ओके, बट रेफरेंस में हमें एम्परसेंट का यूज करना पड़ेगा। ओके, इसी अकॉर्डिंग हमको जब पैरामीटर पास करा रहे हैं तो किसका यूज करना पड़ेगा, एम्परसेंट का यूज करना पड़ेगा, राइट। तो हम देखते हैं इसमें, इसको कंपाइल कराया, एग्जीक्यूट कराया, सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है, मैं अभी समझाती हूँ इस प्रोग्राम को। एक वेरिएबल के थ्रू इसके इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पता नहीं चल पा रहे थे, तो थोड़ा सा दो वेरिएबल लेके एग्जैक्टली पता चलेगा तुम्हें क्या डिफरेंस है कॉल बाय वैल्यू में और कॉल बाय रेफरेंस में। ओके, दैट्स वाई वी आर यूजिंग टू पैरामीटर्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग द हेडर फाइल्स आफ्टर डिक्लेयरिंग द वॉइड मेन एंड द डेफिनेशन ऑफ वॉइड मेन। क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज किया है, देन वेरिएबल्स मैंने ले लिए हैं ए और बी। ठीक है, ए की वैल्यू 12 ले ली है और बी की वैल्यू 13। एक थर्ड वेरिएबल इसलिए ले लिया है हमको डिफरेंसेस पता चल जाए, ठीक है, कि आफ्टर आउट ऑफ द वॉइड मेन जो हमने वैल्यूज में चेंजेस करे हैं क्या वो वॉइड मेन में भी इम्पैक्ट कर रहे हैं क्या। ठीक है, तो वो चेंजेस हम देखना चाह रहे हैं। तो मैंने अपने फंक्शन को क्या करा, डिक्लेयर करा या प्रोटोटाइप दिया है उसका, और ए की वैल्यू जो मैंने 12 ली है और बी की वैल्यू जो मैंने 13 ली है उसको मैं एक बार फंक्शन कॉलिंग से पहले देखना चाहती हूँ। तो मैंने लिख दिया कि वैल्यूज बिफोर कॉलिंग फंक्शन। तो सी आउट क्या कराया, द वैल्यू ऑफ ए यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस बिफोर फंक्शन कॉल इज, ठीक है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू मैंने बिफोर फंक्शन कॉल प्रिंट करा दिए, ये हमने कल देखा था। ठीक है, उसके बाद मैंने फंक्शन को कॉल कराया है। ओके, मैंने सिंपल फंक्शन को कॉल कराया जिसके अंदर पैरामीटर हमने क्या दिए हैं, ए और बी। इसके बाद जब मैं फंक्शन को कॉल करा रही हूँ उसके बाद डायरेक्टली ये वाले स्टेटमेंट रीड नहीं होंगे, कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, कंट्रोल ऑटोमेटिकली फंक्शन की बॉडी के पास चला जाएगा। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कॉल्ड फंक्शन या डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। ओके, तो कंट्रोल इधर गया, हमने क्या किया, इधर एम्परसेंट लगा दिया है। तो जब फंक्शन कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली जो पैरामीटर मैंने पास कराया है ना ए और बी, इनका एड्रेस जो है मेमोरी में जिस एड्रेस पे ये सेव हो रहे हैं वो एड्रेस कहाँ पहुंच जाएगा, वो एड्रेस इधर आ जाएगा। ठीक है, फंक्शन कॉल्ड फंक्शन के पैरामीटर के पास वो एड्रेस पहुंच जाएगा विद वैल्यूज, क्योंकि ए और बी की वैल्यूज मैंने क्या दी है, 12 और 13, राइट। कॉल बाय वैल्यू में सिर्फ वैल्यूज पहुंचती थी 12 और 13, ए और बी का एड्रेस नहीं पहुंचता था, लेकिन इधर एड्रेस भी पहुंच चुका है। ओके, जो बैकएंड में प्रोग्रामिंग हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वेरिएबल सेव हो रहे हैं ना। ओके, हम तो सिर्फ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं लेकिन जो मेमोरी एलोकेशन है वो तो ऑटोमेटिकली हो ही रहा है ना, तो वो ए और बी की वैल्यूज जो है वो एड्रेस के साथ मेमोरी में सेव हो जाएगी और इस कॉल्ड फंक्शन के पास पहुंच चुकी है। ओके, देन मैंने इंट सी यहाँ डिक्लेयर कर दिया क्योंकि मुझे एक थर्ड वेरिएबल की भी जरूरत पड़ रही है। अब मैं देखना चाह रही हूँ कि वैल्यूज जो फंक्शन में है वो क्या है। ओके, बिफोर चेंजिंग इन टू द वेरिएबल्स, मैं अभी तक मैंने कुछ भी छेड़खानी नहीं करी है। वेरिएबल ए में जो वैल्यू थी, ठीक है, ए में मैंने क्या वैल्यू ली थी, 12, और बी में क्या ली थी, 13, तो वो 12 और 13 ही अभी है। 12 ए में है और 13 कहाँ है, 13 बी में है ना, तो ए में क्या है 12 और बी में क्या है 13, ये अभी सेव है और इसका एड्रेस भी सेव है, एम्परसेंट लगा दिया यानी एड्रेस भी सेव है। ओके, तो वो मैंने प्रिंट करा दिया कि द वैल्यू ऑफ ए यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस इनटू फंक्शन, फंक्शन में क्या है उसकी वैल्यू ए, और बी की वैल्यू क्या है कॉल बाय रेफरेंस के अकॉर्डिंग बी। अब मैं कुछ इंटरचेंज करना चाहती हूँ, तो मैं एक थर्ड वेरिएबल यूज कर रही हूँ सी। मैं ये चाह रही हूँ जो ए में वैल्यू है ना 12, जो ए में वैल्यू है 12 वो कहाँ पहुंच जाए, सी में।
तो ए की वैल्यू जो 12 थी वो कहाँ चली गई, सी में, ओके। और बी की वैल्यू क्या थी, 13, वो कहाँ चली गई, वो ए में आ गई, वो ए में आ गई, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, सी में क्या आ चुका है, सी में 12 इंसर्ट हो चुका है, और ए में क्या इंसर्ट हो चुका है, ए में 13 इंसर्ट हो चुका है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि बी जो हमारा एक वेरिएबल था, बी में तो अभी कुछ है ही नहीं है, ठीक है। तो बी में प्री डिफाइंड था, बट अब मैं उसमें कुछ और वैल्यू इंसर्ट कराना चाह रही हूँ, ओके। तो बी में अब क्या आ जाएगा, वैसे बी में हमने क्या दिया था, 13 दिया था ना, लेकिन मैं चाह रही हूँ बी में क्या आ जाए, बी में ए की वैल्यू आ जाए। इसलिए बी में क्या इंसर्ट करा दिया, बी में क्या इंसर्ट करा दिया, क्योंकि सी में मैंने 12 इंसर्ट करा दिया था। तो इस सी की वैल्यू मैं कहाँ इंसर्ट कराना चाह रही हूँ, बी में, तो इसलिए बी इक्वल टू सी लिख दूंगी। तो बी में क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली बी में आ जाएगा 12, ओके। तो बी में क्या वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है, 12 इंसर्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक थर्ड वेरिएबल लेना होता है, ओके, जो इस समय कोई भी वैल्यू नहीं रख रहा है, ठीक है। अभी मैं मतलब मैंने नहीं दी है, यूजर ने कुछ भी वैल्यू उसमें अभी इंसर्ट नहीं कराई है, ओके। तो उस सी वेरिएबल में, थर्ड वेरिएबल में मैं क्या इंसर्ट करना चाहती हूँ, ए की वैल्यू इंसर्ट करना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, सी इक्वल टू ए, इसका मतलब ए में क्या वैल्यू आ गई, 13 आ गई, ओके, ए इक्वल टू बी के कारण, ठीक है। तो सी एक जो मैंने थर्ड वेरिएबल लिया है उसमें मैं क्या वैल्यू देना चाहती हूँ, ए की वैल्यू जो क्या है, 12। तो सी में क्या वैल्यू आ गई है, फर्स्ट ऑफ ऑल 12। सेकंड मैंने क्या किया, अब ए में 12 नहीं है, तो मैं चाह रही हूँ ए में क्या आ जाए, अब बी इंसर्ट हो जाए, यानी बी की वैल्यू मैंने क्या दी है, 13, ठीक है। और बी में मैं क्या चाहती हूँ कि जो ए की वैल्यू थी वो आ जाए, ओके, इसलिए बी इक्वल टू सी लिख दिया। ये तो थोड़ा सा कॉपी पेन से करके देखना है ना, कि किस तरीके से हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरी वेरिएबल में शिफ्ट कर रहे हैं, ओके। तो कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं, या इसे नाम दे देते हैं हम स्वैपिंग का, ओके, स्वैपिंग का नाम दे दिया, या आप कोई दूसरा नाम दे दो, कोई जरूरी नहीं है कि स्वैप कोई एक प्रोग्राम है, ऐसा कुछ नहीं है ना, हम सिर्फ इंटरचेंज कर रहे हैं। आप 4, 5, 6, 7, 10 वेरिएबल ले सकते हो, ओके, आप पे डिपेंड करता है। हम इजी से इजी चाह रहे हैं, इसलिए हमने क्या कर लिया कि दो वेरिएबल ले लिए, ओके। तो अब हम देखते हैं, एक्चुअली क्या देख रहे हैं हम, कि जब एड्रेस के साथ हमने पैरामीटर में वैल्यूज पास करी है विद द एड्रेस, तब फंक्शन में क्या इम्प्लीमेंटेशन होते हैं ना, क्या चेंजेस होते हैं। तो इधर मैंने देखो कुछ चेंजेस कर दिए, अब लास्ट में ये देखते हैं कि ए में क्या आ चुका है और बी में क्या आ चुका है। तो इधर ए में क्या आ चुका है, ए में 13 आ चुका है, और बी में क्या आ चुका है, 12 आ चुका है, ओके। क्योंकि ए की जो वैल्यू है वो मैंने कहाँ इंटरचेंज करा दी है, ए की वैल्यू को बी में असाइन करा दिया, और बी की वैल्यू को ए में असाइन करा दिया। इसके लिए हमको एक थर्ड वेरिएबल की जरूरत पड़ी, ठीक है। अब यहाँ ये सब इंटरचेंज हो चुकी है वैल्यूज, ओके। अब हम ये देखना चाहते हैं कि वॉइड मेन जो मैंने फंक्शन के बाहर, वॉइड मेन फंक्शन के बाहर मैंने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया था, उसमें मैंने ए और बी की वैल्यूज का कुछ चेंजेस करके बताया है, तो वो आफ्टर द चेंजेस क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऑटोमेटिकली जब ये कॉल फंक्शन को रीड कर देगा तो कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, कंट्रोल इधर आ जाएगा, ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। इसलिए हमने डिफाइन कर दिया सी आउट वैल्यूज आफ्टर कॉलिंग फंक्शन, कि जब मैंने कॉल कर लिया था फंक्शन उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए। तो सेम वही लाइन लिखी है मैंने सी आउट करके, कॉपी पेस्ट करा है कि द वैल्यू ऑफ ए यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस और वैल्यू ऑफ बी यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस आउट ऑफ द फंक्शन ए और बी, ठीक है। तो एक बार इसके चेंजेस आपको बता देती हूँ। तो ये कह रहा है कि वैल्यूज, पहली लाइन देखो, वैल्यूज बिफोर कॉलिंग फंक्शन, सबसे पहले मैंने क्या वैल्यू दी थी ए और बी में,
ए की वैल्यू थी 12 और बी की वैल्यू 13 थी, यही थी। अब ये कह रहा है कि वैल्यूज इनटू द इनटू फंक्शन, ओके, जब मैंने प्रिंट कराया यानी रेफरेंस के साथ एड्रेस के साथ वैल्यू जब पास कराई तब भी वैल्यू क्या रही, 12 और 13। नेचुरली पैरामीटर में पास कराया तो 12 और 13 ही गई थी, तो वो 12 और 13 इसने प्रिंट करा दी। अब ये कह रहा है कि जब मैंने ए की वैल्यू को बी में असाइन करा दिया है ना, और बी में ए की वैल्यू को असाइन बहुत करा दिया, चाहिए ठीक है, तो दूर अब तक जान पे इम्प्लीमेंटेशन दिखाई कोलकाता दिया या नहीं, आपका क्लास कोलकाता इम्प्लीमेंटेशन दिखाई दिया है ना, तो ये चीज हम देखना चाह रहे हैं। तब हमने क्या देखा कि जो चेंजेस हमने किए थे ए और बी में वो आउट ऑफ द क्लास फोकस हुए हैं, देख रहे हैं ना अपन, वॉइड मेन में भी वैल्यू चेंज होके बता रहा है, यानी 13 और 12 दिखा दिया इसने, ओके। अब आप देखिएगा यदि मैं रेफरेंस हटा दूं, ओके, तब क्या दिखाई देता है, ओके। अब मैं इधर से एम्परसेंट हटा देती हूँ, यहाँ एम्परसेंट हटा दिया और इधर एम्परसेंट हटा दिया, ठीक है, और इधर भी एम्परसेंट को हटा दिया और इधर भी एम्परसेंट को हटा दिया, ठीक है। अब देखते हैं ऑल्ट F9 कंट्रोल F9। अब हम देख रहे हैं लास्ट में वैल्यू आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन 12 और 13 ही रहा है, तो इसका रीजन क्या है, कॉल बाय रेफरेंस यानी एड्रेस पास नहीं कराया है हमने वेरिएबल का, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि यदि हम ए और बी का एड्रेस पास नहीं कराएंगे, ठीक है, यहाँ उसने ए और बी की वैल्यूज को जो एक्सेस किया है पैरामीटर में, वो जहाँ मेमोरी में वो सेव हुई है, ठीक है, उस लोकेशन को उसने यदि एक्सेस नहीं किया है, तो हम कुछ भी चेंजेस कर लें, ठीक है, वेरिएबल में कितना भी इंटरचेंज कर ले, वो आउट ऑफ द क्लास दिखाई नहीं देगा, वो आउट ऑफ द क्लास इम्पैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए आफ्टर द फंक्शन कॉल उसने इम्पैक्ट दिखाया ही नहीं, जो वॉइड मेन में ए और बी की वैल्यू थी वही ए और बी की वैल्यू रही। तो सीधा सा कहने का ये मतलब है कि वॉइड मेन के बाहर ए और बी की वैल्यू में यदि हम चेंजेस करते हैं तो उसका इफेक्ट वॉइड मेन में नहीं पड़ता है। जैसे अपन ने क्लास पढ़ी थी है ना, क्लास में हमने बिहेवियर यूज करे, एट्रीब्यूट यूज करे, ओके, तो हम एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं जिसके थ्रू ही हमें हम आउट ऑफ द क्लास उन वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से थोड़ा सा इसके अंदर वो वाली चीज है कि वॉइड मेन के बाहर यदि हम कोई फंक्शन यूज कर रहे हो और उन वेरिएबल्स को एज ए पैरामीटर यूज कर रहे हैं, तो उसमें यदि वेरिएबल्स में चेंजेस करते हैं तो उसका इम्पैक्ट वॉइड मेन में दिखाई नहीं देगा, ठीक है, कॉल बाय वैल्यू के कारण। लेकिन यदि हम कॉल बाय रेफरेंस यूज कर देते हैं तो इम्पैक्ट दिखाई देगा, ओके। कॉल बाय रेफरेंस में हमको क्या करना पड़ता है, इधर एम्परसेंट लगाना पड़ता है, ये प्रोटोटाइप है, और डेफिनेशन में भी हमको क्या करना पड़ेगा, इधर एम्परसेंट लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो। यदि हम एम्परसेंट लगा देते हैं तो हम देख रहे हैं लास्ट में जो हमने फंक्शन में चेंजेस करे हैं वो वॉइड मेन में भी दिखाई देंगे, क्योंकि वॉइड मेन में ही हमने प्रिंट कराया है ना ये, तो वैल्यू 12 की जगह लास्ट में सेकंड टू लाइंस में क्या हो गया, ए की वैल्यू तो 13 हो गई और बी की वैल्यू 12 हो चुकी है, ओके, ये कॉल बाय रेफरेंस है। ये थोड़ा सा इंटरचेंज आपको ध्यान में रखना होगा कि हम वैल्यूज में कैसे इंटरचेंज कर रहे हैं। अब मान लो इसमें तुम कुछ चेंजेस करना चाहो, हैं, हम देखना चाहते हैं कि इस समय मैंने इंट सी लिखा है, इस समय सी में क्या वैल्यू है, यदि तुम देखना चाहो तो हम देख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया सी आउट सी, देखें हम कह रहे हैं कि सी में मैं ए वेरिएबल की वैल्यू
असाइन कराना चाहती हूँ बाय यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर, लेकिन उससे पहले मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर सी में है क्या है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ द वैल्यू ऑफ सी इज, ओके बैकस्लैश एन लगा ही देते हैं यहाँ भी, ऑल्ट एफ नहीं कंट्रोल एफ। द वैल्यू ऑफ सी इज देखो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, दो बैक स्लैश एन लगा देते हैं। ठीक है, यानी अभी मेमोरी में उसने कुछ स्टोर नहीं किया, हमने सिर्फ अभी क्या कराया है डिक्लेयर कराया, इनिशियलाइज तो कराया ही नहीं है, इसलिए हम एक थर्ड वेरिएबल ले रहे हैं सी। ओके एक बार आप देखिए इसको यहाँ कंट्रोल फंक्शन इंसर्ट, शिफ्ट फंक्शन इंसर्ट। अब इस समय जब मैं ए की वैल्यू का असाइनमेंट सी में करा रही हूं तो हम देखते हैं इस समय ए की वैल्यू क्या हो गई है। तो इधर हम लिखते हैं ए, ये सेव कर दिया हमने, ऑल्ट एफ नाइन कंट्रोल एफ। ए में 12 बता रहा है ये, ओके सी तो क्या था उसमें जीरो डिजिट थी, हम नल नहीं कह सकते, नथिंग नहीं कह सकते उसे, है ना, उसमें जीरो डिजिट थी, जीरो भी तो एक इंटीजर ही है, ओके लेकिन ये कह रहा है कि जब मैंने असाइनमेंट करा दिया ए का सी में करा दिया, लेकिन ए में जो 12 वैल्यू थी वो 12 है, ओके इसी अकॉर्डिंग यदि मैं देखना चाहूँ कि इस समय बी की वैल्यू क्या है, ओके शिफ्ट फंक्शन इंसर्ट बी, और इधर भी प्रिंट करा देते हैं हम बी, ओके इसी तरीके से हम देखना चाह रहे हैं कि जब मैंने असाइनमेंट करा दिया है, हम कह रहे हैं बी की वैल्यू को मैं ए में असाइन करा रही हूँ, लेकिन बी में क्या रहता है असाइनमेंट के बाद भी, हम ये चीज देखना चाह रहे हैं। तो हम देख रहे हैं बी में भी 13 है, ओके तो ए और बी में क्या हो रही है, वैल्यूज ओवरलैप हो रही है, ओके और हम सी एक क्या ले रहे हैं, एक ऐसा वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें अभी हमने इनिशियलाइजेशन नहीं करा है, लेकिन जब डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसमें जीरो डिजिट है, राइट। तो कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि एम्परसेंट लगाने के कारण ये क्या बन जाता है, विद द एड्रेस एंड द वैल्यू इट इज कॉल्ड द कॉल बाय रेफरेंस, ओके।